हाँ, सो हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल टू यूआईएस। तो एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है, और शायद आपको पता भी होगा कि जो आंसर की है वो 2022 की प्रीलिम्स की यूपीएससी के वेबसाइट पे आप लोग देख सकते हैं। और एक चीज़ जो सीखने वाली है वो थोड़ा सा हम लोग डिस्कस भी करेंगे, क्योंकि हर साल जो स्टूडेंट्स हैं साथ में जो तैयारी कर रहे हैं वो इस चीज़ से सफ़र भी बहुत अधिक करते हैं। तो कई सारी चीज़ें हैं हम लोग डिस्कस करेंगे। इससे पहले आप देख सकते हो कि जो आंसर की है वो आपकी रिलीज़ हो गई, और इसमें अगर यूपीएससी की वेबसाइट पर जाओ तो पूरे 100 क्वेश्चंस के आंसर की, उसमें से एक क्वेश्चन डिलीट किया गया है, एक क्वेश्चन आपका डिलीट किया गया है। तो आउट ऑफ 100 जो आपका स्कोर कैलकुलेट हुआ है वो 99 क्वेश्चंस में हुआ है। अब अगर आप 2022 का प्रीलिम्स का कट ऑफ देखें तो आई थिंक कुछ 87 के आसपास उसका कट ऑफ है 2022 का, और इसमें से एक क्वेश्चन डिलीट है। तो अगर एक क्वेश्चन डिलीट है तो इट मीन्स व्हाट, कुछ पॉइंट्स में जो पर क्वेश्चन है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा, जो उसकी वैल्यूएशन पॉइंट समथिंग 0.0 या कुछ ऐसा इंक्रीज हो जाएगा। तो आप ये मानो कि इन रियलिटी अगर वो 87 कट ऑफ किया है तो एक नंबर, और अगर 100 क्वेश्चन होते तो वो कट ऑफ आपका इन जनरल 86 समथिंग के रूप में देखने को मिलता। तो यहाँ पे देखो जो पॉइंट हमें समझना है कि देखो यहाँ पे 61st जो क्वेश्चन है वो आपका डिलीट हुआ है, और 61st क्वेश्चन जो सेट वन का है वो ये है जो क्वेश्चन डिलीट हुआ। आप इसको रीड कर सकते हो, टाइट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ यूएस फेडरल रिजर्व कुड लेड टू कैपिटल फ्लाइट, कैपिटल फ्लाइट में इंक्रीज द इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ फॉर्म्स विद एक्जिस्टिंग एक्सटर्नल कमर्शियल बॉर्विंग्स, और डिवेल्युएशन ऑफ डोमेस्टिक करेंसी डिक्रीजेज द करेंसी रिस्क एसोसिएटेड विद एक्सटर्नल कमर्शियल बॉर्डिंग। तो यहाँ पे ये सेट वन सेट फर्स्ट का 61st क्वेश्चन डिलीट हुआ है, जो कि ये क्वेश्चन आपका डिलीट हुआ है। अब जब आपका पेपर हुआ था, पेपर होते ही आंसर कीज आ जाती हैं। आंसर की आते ही अगर आप डिस्कशन देखोगे ना, जितने भी बड़े बड़े संस्थाएं हैं है ना, अलग अलग जगह पे अगर आप जाओगे, वाजीराम है, विजन है, दृष्टि है, किसी भी संस्था की बात अगर आप करोगे तो उन्होंने जितना भी डिस्कशन आपका किया है उसमें सभी ने इस क्वेश्चन का आंसर प्रोवाइड किया था। और अगर आप इनके आंसर की में वेरिएशन भी देखोगे तो काफ़ी अधिक वेरिएशन देखने को मिलता है। देखो ये एक बहुत बड़ा डेवलपमेंट है। जनरली जब हम पेपर देकर आते हैं, क्योंकि हम लोग भी लाइक है ना, जो आज एजुकेटर के रूप में काम कर रहे हैं, एस्पिरेंट एक समय रहे हैं, और जब हम लोग भी पेपर देकर आते थे तो सबसे पहले जो है अपने आंसर है उसको आके थोड़ी देर 1-2 घंटे का ब्रेक लेकर और अपना आंसर को देखते थे, क्योंकि थोड़ा सा इतना साल का मेहनत है, मेहनत करने के बाद ये देखना जरूरी है कि यार कितना स्कोर आ रहा है। अब हो क्या रहा है कि जनरली जैसे अगर आप यूट्यूब पे ही जाओ तो जनरली जो भी आंसर कीज प्रिपेयर की जाती हैं, जो भी आंसर कीज आपकी प्रिपेयर की जाती हैं उसमें जो ऑथेंटिसिटी है वो काफ़ी अधिक उसका डायल्यूशन देखने को मिलता है। मतलब बड़े बड़ी संस्थाओं में भी इवन अगर 1-2 दिन बाद भी आंसर की आ रही है तो 10-10, 12-12 क्वेश्चन का वेरिएशन आपका हो रहा है। पर ये बहुत चिंता का विषय हो जाता है। क्यों चिंता का विषय बन जाता है? क्योंकि एक तो देखो जैसे मान लो यूट्यूब में जल्दी से वीडियो लाना है और आंसर की आपको निकालना है, तो उसमें एक ये भी रहता है कि एक यूट्यूब का एल्गोरिदम होता है, जिसका पहले आ जाएगा उसके लोग ज़्यादा देखना शुरू कर देंगे, फिर लोगों को लगता है यार ये वीडियो है इसमें बहुत व्यूज़ हैं तो इसका सही होगा, इस टाइप से रहता है। फिर उसका एक परसेप्शन रहता है ये बड़ा संस्थान है, इसके आंसर की देख लेते हैं तो इसका भी सही रहेगा। लेकिन आप कहीं भी जाएं तो 10-12 क्वेश्चंस का वेरिएशन हो रहा है, ये बहुत बड़ा नंबर होता है 12 क्वेश्चन। अब जैसे मान लीजिए 96 जो है 96 किसी के नंबर आए हुए हैं, और ये इससे भी देख लो ना कि एक आलू ले लो प्याज ले लो मूवी आपने देखी होगी, तो कुछ ऐसी स्थिति रहती है कि आंसर की ले लो। तो ये जो आंसर की ले लो की वजह से आप कह सकते हो कि एक समय खराब रहता है। जैसे एक छोटी सी बात मैं आपको बताता हूँ कि कोई स्टूडेंट है, उन्होंने एग्ज़ाम दिया, एग्ज़ाम देने के बाद उनका जो स्कोर है वो सपोज करो किसी भी आंसर की से वो 98 तक उसका उनका स्कोर गया। अब दूसरे स्टूडेंट है जिनका मान लो स्कोर जो है 88, सॉरी मान लो 78 के आसपास उनका स्कोर गया, कट ऑफ आपका जनरली जब क्योंकि लास्ट में कट ऑफ पता चलता है, तो कट ऑफ आपका गया 86, 87। इस बार कट ऑफ देखोगे तो 80 के आसपास होगा, 80 81 होगा, या हो सकता है 80 के नीचे भी हो, आई थिंक कि वो 78 79 कुछ ऐसा भी हो सकता है, तो जब कट ऑफ आएगा तब पता चलेगा। तो अब क्या है कि अगर बातचीत पूरा ये चलती जा रही, कहीं भी पूछें
कहीं भी पूछे तो सभी ये कहेंगे यार कट ऑफ 90 के ऊपर नहीं जाएगी, और कोई 96, 98 या इवन कोई 102 स्कोर, मतलब किसी आंसर की से देख लिया। जब रिजल्ट आता है, रिजल्ट आने के बाद जब वो अब देखता है यार उसका रोल नंबर नहीं है, तो परेशान, फिर सीसेट चेक करता है, सीसेट में यार उसके 80 नंबर आ रहे हैं, तो मतलब है ना 80 नंबर आ रहा है, तो उसको लग रहा है यार ये भी सही है तो क्या दिक्कत है। जब रिजल्ट नहीं पॉजिटिव होता है तो फिर क्या होता है, पूरा का पूरा जो साल इस उसमें चला जाता है दिमाग में कि यार मेरे 102 नंबर है, मेरा नहीं हुआ, और मेरे साथ वाले का 78 नंबर थे उसका हो गया। अब इसके पीछे कौन रिस्पॉन्सिबल हो सकता है? इसके पीछे ऐसा नहीं कि देखो यूपीएससी के आंसर कीज़ अगर आपका स्कोर कट ऑफ के ऊपर है तो आपका तो होना ही है, बट होता क्या है कि जो आंसर कीज़ अलग अलग है ना, आलू ले लो, प्याज ले लो, या आंसर की ले लो, जो ये वाली जो लड़ाई चलती है, बाद में फिर उसी को देख लेते हैं लोग कि है ना बना लिया, लिस्ट बना ली, फिर बताया ये आंसर की गलत है, वो सही है, इस टाइप की चीज़ें। लेकिन ये एक साल बाद ही आप कर सकते हो जब आपकी आंसर की आ चुकी है। लेकिन वो जो एक साल है जब जो भी एस्पिरेंट है उन्होंने अपने आंसर, वो किसी भी आंसर की से अपने क्वेश्चन को मिलाया, और उसके बाद उनका कट ऑफ से उनको लग रहा है नंबर बहुत अधिक है, इसके बावजूद भी नहीं होता है, तो जब तक फाइनल आंसर की नहीं आती है, एक बार नज़र जा नहीं चली नहीं जाती यार कि मेरा जो स्कोर है 86, 87 कट ऑफ गया और मेरे 85 है, जब तक वो चीज़ नहीं प्रूफ होती मन में पूरा एक कन्फ्यूज़न बना रहता है कि कहीं मैंने गोले तो नहीं भर दिया, मेरी किस्मत ख़राब है, तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो है वो चलती रहती हैं और बहुत समय भी ख़राब होता है। तो ये एक बहुत बड़ा एक आप कह सकते हैं कि जो आंसर की का एक सिस्टम रिलीज़ करने का है, या तो ये होना चाहिए कि अब देखो यूपीएससी भी 10-12 दिन में तो रिजल्ट ही दे देती, तो अभी एक हफ्ता लेके तो कोई आंसर की निकालता है तब भी कोई फ़ायदा नहीं है उसका। हाँ मतलब कोशिश ये होनी चाहिए कि 2 दिन का समय लेके, 1.5-2 दिन का समय लेके और फिर आंसर की निकले, तो उसमें ऑथेंटिसिटी थोड़ा और हो सकती है। देखो 100% तो नहीं हो सकती है अगर आप, क्योंकि देखो आंसर की जो प्रिपेयर भी होती है और उसमें जिनका भी रोल होता है वो भी किसी न किसी तरीके से यूपीएससी के एग्ज़ाम से जुड़े हुए होते हैं, तो अपना वो भी गूगल के माध्यम से या किसी भी सोर्स के माध्यम से आंसर की प्रिपेयर करते हैं, तो आंसर की के माध्यम से मतलब आंसर की जो प्रिपेयर होती है उसमें कभी भी 100 तो नहीं सही हो सकती, बट हाँ क्यों कैसे हम उस एक्यूरेसी को इम्प्रूव और कर सकते, क्योंकि देखो 10-12 क्वेश्चन का वेरिएशन पहले के टाइम पर नहीं होता था। अगर आप 2017-18 ऐसे पेपर को 19 का देखोगे, तो उससे पहले के पेपर देखोगे तो वो बहुत ज़्यादा ऐसा मतलब उनके आंसर आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, गूगल में भी सर्च करोगे आपको डायरेक्ट मिल जाएंगे, आपके जो टीचर्स होंगे सब्जेक्ट स्पेसिफिक होंगे वो आंसर दे देंगे। लेकिन अब जो क्वेश्चंस आ रहे हैं बहुत एप्लीकेशन बेस्ड आ रहे हैं, तो टीचर्स भी अपने आप को अगर अपडेट नहीं रखते हैं जो है ना, तो वहाँ पे उनके बीच में भी एक रहता है, कोई बोलेगा ये सही है, कोई बोलेगा मेरा सही है, तो वो एक रहता है, तो जो जिसका जितना इन्फ्लुएंस किसी संस्थान में होगा वो अपने आंसर को मार्क करवा देगा कि इसका आंसर ये है और असल में वो गलत होता है, क्योंकि जो जितना सोचेगा ना, जितना थिंकिंग करके और आंसर तक आप रीच करोगे उसके चांसेस गलत होने के और अधिक आ जाते हैं। स्ट्रेट फॉरवर्ड चीज़ें हैं जो है, जैसे इस बार APFC का पेपर है उसमें बिराक पे प्रश्न है, अगर आप वो 4 ऑप्शंस देखोगे ना और अगर आप उसको सोच के देखो तो 2 ऑप्शंस गलत है, लेकिन आप बिराक की वेबसाइट पे ऑब्जेक्टिव देखोगे तो 4 ही लिखे हुए हैं, ठीक है। तो ये थोड़ा सा देख, ये चीज़ें हैं और इससे हमारा बहुत अधिक समय जो है, ख़ास तौर से जो एस्पिरेंट्स होते हैं, पहला अटैम्प्ट है, दूसरा अटैम्प्ट है, कोई भी अटैम्प्ट है, तो अफेक्ट होता है। तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि एक प्रकार से जैसे अगर हम एग्ज़ाम दें तो अच्छा तरीका तो यही है देखो कि अब क्योंकि 10-12 दिन के अंदर तो रिजल्ट ही दे रहे हैं, 12 दिन मुझे लग रहा है इस बार तो और कम दिनों में दे दिया था, 28 को पेपर था तो 10-12 तारीख को दे दिया, बहुत 2 वीक के अंदर आपको दे देते हैं, या तो हम वेट कर सकते हैं क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता 78 नंबर वाले का हो जाएगा, आपने 102 कैलकुलेट किया उसका नहीं होगा, तो ये है। बाद में जब रिजल्ट है अपना रोल नंबर देख लें, बाकी अपनी पढ़ाई करते रहें ये बहुत ज़रूरी है, और फिर तभी थोड़ा सा हमारे लिए भी ठीक रहेगा। और भी चीज़ें इम्प्रूव करने का ज़रूरत है ना, UIS की तरफ से भी आई एम ट्राइंग, की मैंने भी आंसर की डाली थी शायद 1.5-2 दिन के बाद डाली थी, जो भी थोड़े बहुत चेंजेस करके, बट हाँ उसमें भी गलती तो थी, जो आई हैव गॉन थ्रू अराउंड 4 के आसपास क्वेश्चंस, नहीं UIS में 2022 का नहीं पढ़ा था, 23 का भी डाला है, ठीक है 22 का नहीं पढ़ा था क्योंकि 22 में तो आई वॉज नॉट देयर, तो हाँ 22 की आंसर की इसमें नहीं पढ़ा, 22 की दूसरे चैनल पर पड़ी हुई है, तो 23 का मैंने आंसर की डाली हुई है, तो वो आंसर की मतलब
डेढ़ दिन के बाद लगभग डालिए थोड़ा सा रिसर्च करके, और जो उतना भी ऑथेंटिसिटी मेंटेन रहे तो ये थोड़ा सा देखो, थोड़ा जो लेट आती है ना आंसर कीज, थोड़ा उनसे आप मैच करोगे तो ज़्यादा बेटर रहता है। वो बहुत फटाफट जो आंसर किया जाए तो पेपर ख़त्म हुआ आपका 11:30 बजे और 12 बजे आंसर किया गया, वो तो नहीं, मतलब आप खुद समझ सकते हो कि उतना बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल। और आजकल के जो प्रश्न आते हैं ना उसमें आप 100 में से 80 चलो आंसर निकाल लिए, 20 में आपको डाउट ही रहेगा, और जो भी टीचर वहाँ बैठे हुए हैं वो जिनका जितना इन्फ्लुएंस होगा वो अपना आंसर उतना मनवा लेंगे। तो ये थोड़ा सा है, थोड़ा सा देखना चाहिए, और आप लोग भी अपने प्रिपरेशन में समय का अच्छा सदुपयोग करें, आगे बढ़ें, और UAS चैनल से ज़रूर से जुड़ें। द हिंदू का सेशन आपका सुबह 9:15 बजे होता है, उसको आप लोग एक बार जरूर से गो थ्रू हो, विल अंडरस्टैंड किस तरीके से जो कंटेम्प्रेरी एस्पेक्ट है उनको ध्यान में रखना चाहिए, पढ़ना चाहिए। ठीक है, सेशन को जरूर से लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू, और अपना आंसर की जरूर से देख लो, आपका UPSC की वेबसाइट पर जाके आपको आंसर की जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, सो ये क्वेश्चन जो है वो डिलीट हुआ है। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।